अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है। यंग बाइट्स में वसीम भट्ट के साथ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उधमपुर जठानी चौक में। और मैं आपको बता दूं कि आज जो नेशनल हाईवे बंद की कॉल दी गई थी, और इसी बीच कुछ लोगों को जो इमरजेंसी जो होती है, और कई लोग ऐसे इमरजेंसी जो है इस वक्त फंसे हैं इमरजेंसी के टाइम पर। और इस बीच क्या होता है कि ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक पुलिस अपना काम तो बाखूबी से निभा रही, लेकिन कई ऐसे भी वाकया होते हैं इस चौक पे जहाँ पे लोगों को इतनी सारी मजबूरियाँ तो है लेकिन उस मजबूरी को समझा नहीं जाता है। तो इसी के साथ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के कुछ फंसे हुए जो पैसेंजर्स हैं, इनके साथ बात करते हैं। आपका नाम क्या है? तंत्री गौहर। आप कहाँ से हो? बनियाल। सर, समस्या ये है सर, एक साल की बच्ची है, इसका ऑपरेशन हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम थी इसको। दिल्ली से हम आए, दिल्ली से आगे हम गए हुए थे, एक महीने के बाद आ रहे हैं, एक भी पैसा जेब में नहीं बचा खाने के लिए, और अभी घर जा रहे हैं। सोचा कि मतलब बड़ी खुशी से आ रहे थे कि घर पहुंचेंगे, घर पहुंच के जो भी थकावट है निकाल देंगे। दो दिन से सोए नहीं है, ना कुछ खाया पिया है। ये देखो, मतलब रिपोर्ट भी हम ट्रैफिक, ये मतलब एक जो एक स्टार वाला है उनको दिखा रहे हैं। ये आप ट्रैफिक पुलिस के सामने आपने ये शो किया, मैं कैमरे के सामने भी शो करना चाहूंगा। ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये दिल्ली से अभी ऑपरेट करके आए इस बच्चे को, बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेडिकल रिपोर्ट थी, पूरी फाइल यहाँ पे, और ये सब दिखाने के बावजूद भी इमरजेंसी को समझा नहीं जाता।